हे गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं मायरा के बर्थडे पर लुलु मॉल। एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम स्नो सिटी जाए, जो कि बैंगलोर में है, आरटी नगर के पास। वहाँ का प्लान था हमारा, लेकिन वहाँ की प्राइजिंग पर हार के लिए जो इतनी ज़्यादा थी, वो सुनकर ही मैं मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। क्योंकि सिर्फ 1 घंटे के लिए 1,300 चार्ज कर रहे थे वो लोग, और मायरा की टिकट जो है 800 थी। तो मैंने सोचा 1 आवर के लिए 4 to 5,000 स्पेंड करना इट्स नॉट ए गुड आइडिया। तो हम लुलु मार्केट सॉरी लुलु मॉल निकल गए, क्योंकि हमने वहाँ हम लोग वहाँ नहीं गए हैं। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी गाइज, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं सारे बैंगलोर के 50% लोग आई थिंक यहीं पर थे। तो चलिए यहाँ का मॉल ही घूमते हैं। क्राउड तो आप देख ही रहे हैं गाइस, शायद ही कोई मॉल में इतना ज़्यादा क्राउड होगा। इसमें तो आपको इतना दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जो फूड एरिया था वहाँ का व्यू आप अगर देखेंगे तो मतलब हैरत में रह जाएंगे। हम लिटरली पूरा जो है लेकर हमारा KFC फूड जो है वो फेवरेट है, वो लेकर हम ऑलमोस्ट खड़के ही खाने वाले थे। तो लकीली मुझे पहली बार मॉल में फाइट करना पड़ा एक लेडी के साथ सीट लेने के लिए, क्योंकि एक फैमिली सीट थी तो वो रेडी नहीं थी सीट देने के लिए। तो उसमें मेरी बहस हो गई उसके साथ। ये रहा सेकेंड फ्लोर, और थर्ड फ्लोर में आई थिंक जो फूड कोर्ट एरिया है वहाँ का है। हर एक चीज़ यहाँ पर है गाइस, हर एक ब्रांड अवेलेबल है, KFC, एम्पायर, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, हर एक चीज़ जो आप जो भी बाहर जाकर रेस्टोरेंट्स अलग अलग रेस्टोरेंट्स में ट्राई करते हैं, वो हर एक यहीं पर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे बड़ा सा बैनर देख रहेंगे फूड कोर्ट का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थर्ड फ्लोर। यहाँ पे एक्सीलेटर में देखिए इतने सारे लोग, बाप रे बाप। हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि पता नहीं एक्सीलेटर रुक ही जाएगा, इतना ज़्यादा वेट है यहाँ का। तो ये रही मैं और महक। Thank you.
कैशियर बोल रहा हूँ। था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन का ब्लॉग। होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।